इसी तरह से आसानी से आप अपने इंस्टाग्राम के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। क्या आप भी अपने इंस्टाग्राम के पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं यानी बदलना चाहते हैं? वेल, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है चितरंजन, आप देख रहे हैं टेक्निकल सहारा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक से वीडियोज लाते रहता हूँ। और हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, ताकि आप लोग अच्छा से समझ सके। दोस्तों, अब हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड चेंज करने के लिए यानी बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद आपको नीचे अपने प्रोफाइल के फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल को ओपन करने के बाद आपको ऊपर 3 लाइन मिलेगा, आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ही सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको प्राइवेसी के नीचे सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ही पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, सिंपल आपको इस पासवर्ड पर क्लिक करना है। पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर करंट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आपको अपने इंस्टाग्राम के करंट पासवर्ड को डालना है, यानी अपने इंस्टाग्राम के मौजूदा पासवर्ड को डालना है, जो पासवर्ड अभी आपके इंस्टाग्राम का है। बट अगर आपको अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड पता नहीं है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देखकर आसानी से अपने इंस्टाग्राम के पासवर्ड को पता कर सकते हैं। तो चलिए यहां हम अपने इंस्टाग्राम के पासवर्ड को डाल देते हैं। अपने करंट पासवर्ड को डालने के बाद आपको नीचे अपने नए पासवर्ड को डालना है, यानी जो आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड रखना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ हम अपने नए पासवर्ड को डाल देते हैं। नए पासवर्ड को डालने के बाद आपको नीचे फिर से वही पासवर्ड को डालना है जो पासवर्ड आपने यहाँ ऊपर डाला। दोनों में सेम पासवर्ड डालने के बाद आपको ऊपर डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करते ही आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है।